तो गाइस मैंने पास्ता उबाल लिया है और छौंक भी लगा लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जो है मैदा ऐड किया है। मतलब मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसे क्या होता है। मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं कैसा क्या बनेगा। तो गाइस मैंने आधी कटोरी मैदा लिया था और उसको मैं घुमा रही हूँ। और अब मैं उसमें दूध थोड़ा थोड़ा करके दूध मिक्स करूँगी और उसको घुमाती रहूँगी। मतलब आपको घुमाना तो पड़ेगा ही, 6 से 7 मिनट लगातार लगातार घुमाना पड़ेगा ताकि वो जो मैदा है वो चिपके ना। मैं थोड़ा सा दूध और मिलाऊंगी इसमें और मैंने गैस बंद कर दी है ताकि वो जले ना। मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं कैसा बनेगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। और अब मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है मैंने इसमें और थोड़ी सी लाल मिर्च। अब मैं सारे मसालों को मिक्स कर लूँगी। जब आप पहली बार कोई चीज़ ट्राई करते हो ना तो आपको मतलब अंदर से खुद भी बहुत डर लगता है कि पता नहीं कैसा बना होगा ये वो। तो अब मैंने उसमें मैदा का जो मैंने पेस्ट बनाया था, अब मैंने उसमें अपना छौंक ऐड कर दिया है और साथ के साथ अपना पास्ता भी ऐड कर दिया है। अब मैं उसको मिक्स कर रही हूँ सारे को ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए पास्ता में। गाइस कुछ ऐसा बना था पास्ता, दिखने में भी अच्छा था और खाने में भी अच्छा था। तो प्लीज़ मुझे बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरा फर्स्ट टाइम पास्ता। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।